यहाँ सिंदूर की कीमत पे कुछ स्पेशल ड्रामा चल रहा है। अर्जुन अवस्थी जो मेरा कैरेक्टर है वो आखिरी इंसान है पूरी दुनिया में जो कोई शादी करने वाला है, पर उसकी मॉम ने उसे इतना प्रेशर कर दिया है इससे शादी करने के लिए कि उसने जाके किसी और से शादी कर ली और अब घर आ गया है। ये साउंड आपको फनी कर रहा होगा, पर अगर असली घर के अंदर ऐसा कुछ होता है जो हमारे शो में चल रहा है, इट क्रिएट्स अ लॉट ऑफ ड्रामा, अ लॉट ऑफ ड्रामा, अ लॉट ऑफ एक्साइटमेंट और हैवी 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 सीन्स फॉर ऑल ऑफ अस। तो हमारे शो के अंदर हमारे मेन कैरेक्टर अर्जुन अवस्थी ने एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करी है, उसने एक डील करी है एक लड़की के साथ कि आप आपकी सिंदूर की कीमत चुका सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट मैरिज कर। तो मिश्री ने हमारे साथ एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करी है क्योंकि बोथ पार्टीज ओवर हियर आर गोइंग टू नीड समथिंग फ्रॉम ईच अदर। मिश्री चाहती है कि हम उसके बाबा को बचा लें और अर्जुन चाहता है कि वो उसके फैमिली प्रेशर से बच जाए। तो दोनों लोगों को खुश करने के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट बनता है और वो शादी का कॉन्ट्रैक्ट इस शो के अंदर आपको देखने को मिलेगा। अभी आपने देखा ही है कि कॉन्ट्रैक्ट मैरिज वाला ट्विस्ट आ गया है कि ये लोग कॉन्ट्रैक्ट मैरिज कर रहे हैं। मिश्री तो ये बिल्कुल भी नहीं करती, अर्जुन भी नहीं करता, पर दोनों भी मजबूर है। उसे प्रिया से बचना है, उसे प्रिया से शादी नहीं करनी क्योंकि उसे लगता है कि वो अनु नहीं है। प्लस मुझे अपने बाबा को बचाना है, बाबा जो मेरी पूरी दुनिया है मुझे उन्हें बचाना है और उन्हें बचाने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। तो हमारा सपना है था कि भाई इसकी शादी देखें और इसका सपना था कि ये अनु के शादी करें और अनु जो है मतलब जब मिलती है तो वो किसी और से शादी कर लेता, तो मतलब इट वाज शॉकिंग फॉर अस। मगर हाँ, प्रेशर हम लोग कर रहे थे बिकॉज पहले तो अनु नहीं मिल रही थी, तो वी थॉट कि किसी और से शादी कर लो मगर कर लो, बिकॉज वी थॉट शी इज़ नेवर गोइंग टू रिटर्न। तो इसलिए हम लोग प्रेशर डालते थे कि किसी और से कर लो, फिर अनु आई तो ये किसी और से शादी कर लिया, तो इसने क्यों किया। तो सबसे ज़्यादा प्रेशर तो दादी ने डाला है, आई थिंक दादी फील्स इट द मोस्ट। प्लीज ऑब्वियसली, तो मुझे ये पता नहीं है ना कि ये क्या चीज़ है, तो मैं तो इन्हीं को अपनी नातिन मान रही हूँ और ऑब्वियसली नातिन के साथ जो आपके का जो रिश्ता होता है ब्लड रिलेशन, तो उसकी वजह से एक अलग ही प्यार होता है ना, बेटी के बच्चों से ज़्यादा प्यार होता है। तो जो असली वाली है उसे तो उसका तो मालूम ही नहीं है कि ये कौन है क्या है जो इससे इन्होंने शादी कर ली है। पर सच में हमने सपने देखे थे, जब ये मालूम पड़ा है कि ये लड़की अनु है हमारी और मैं चाह रही हूँ कि अनु के साथ ये शादी करे। और इसलिए भी क्योंकि बचपन में इन दोनों ने डिसाइड किया था, बचपन में डिसाइड किया था आप लोगों ने, हमने डिसाइड किया था। हाँ दादी, वो सब हो गया, अब वो आ गए, हमने तोड़ दी शादी, कर ली कहीं और अब ड्रामा कर रहे हैं। अब मैं इनकी शादी टिकने नहीं दूंगी। ओह माय गॉड, और ये ड्रामा आपको फुल ऑन देखने को मिलने वाला है। मैं तो बहुत रायता फैलाने वाली हूँ अभी। अभी तक जो मैंने फैलाया वो बहुत कम था, ट्रेलर था एक छोटा सा, उससे थोड़ा बहुत पब्लिक बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो गई है और काफ़ी इन्जॉय भी कर रही है इस ड्रामे को। और अब और रूप और काफ़ी सारे यू नो अप्स एंड डाउन्स देखने को मिलेंगे, काफ़ी स्पाइस देखने को मिलेगा। और तो क्या, बहुत रायता फैलाऊंगे, आप इन्जॉय करोगे, बोर नहीं होने वाले हो। मिश्री बबली है पर बदतमीज़ नहीं है, वो बदतमीज़ बिल्कुल भी नहीं है, वो सबकी रिस्पेक्ट करती है, स्पेशली बड़ों की वो बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करती है। तो वो सबके साथ तमीज़ से ही बात करेगी और वो उसका नेचर बहुत अच्छा है, तो वो कभी भी कुछ भी गलत नहीं करेगी किसी के साथ। वो बस अर्जुन के साथ उसका बैंटर ऐसा होता है, बहुत चुलबुली है तो वो निकलेगा ही, अगर अर्जुन जैसा लड़का उसके सामने होगा तो वो उसको जवाब देगी। तो सबको मज़ा आ रहा है कि मेरे भाई की शादी हो गई है। मज़ा आ रहा है, मज़ा आ रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है। क्योंकि भाभी आ रही है और अभी जितने मेंबर्स थे एक जन और घर में आ गए। सो अभी बताऊंगी तुझे भी। मैं बेसिकली इसीलिए एक्साइटेड हूँ कि जब इनकी शादी होगी उसी के बाद मेरा नंबर आएगा, राइट। सो है कि नहीं दादी, आई एम अ वेरी बिग प्लानर इन द शो, तो काफी यू नो प्लान्स एंड प्लानिंग प्लॉटिंग ये सब मैं कर रही हूँ और उसमें ये साथ हैं मेरे। सबसे पहली बात तो मुझे ये बहुत बुरा लगता है कि मिश्री ही अनु है,
यही बात मेरे खुद के पापा भी रियलाइज़ नहीं कर पाते, या मैं भी खुद रियलाइज़ नहीं कर पाती हूँ कि हाँ यही मेरे पापा है, जबकि अभी बताया जाएगा कि वही मेरे साथ बहुत नाराज़ है कि वो मुझे कहते कि मैं तुझे माफ़ नहीं कर पाऊँगा क्योंकि तूने मेरी अनु के साथ ऐसे किया, जबकि रियल में मैं ही अनु हूँ। तो ये बहुत ही दुख की बात है, बट स्टिल आगे हमें देखने मिलेगा कि वो कैसे रियलाइज़ करते हैं कि वही मेरे असली पापा है, और वो भी कैसे रियलाइज़ करते हैं कि मैं ही उनकी अनु हूँ और वो मुझे ही, मैं ही असली ये घर की बेटी हूँ, और ये बात किसी को पता नहीं है। तो ये बात बहुत ट्विस्ट और टर्न्स के साथ आपको बताया जाएगा। गाइस थैंक यू सो सो मच, आई होप आप लोग सब सिंदूर की कीमत देख रहे हैं। ये बस एक छोटा सा टेस्ट था कि हमारी फैमिली के साथ कितना फन होता है। आई होप मंडे टू सैटरडे आप लोग सब ट्यून इन करेंगे टू वॉच सिंदूर की कीमत फॉर अ ग्रेट एंटरटेनिंग एंड ड्रामेटिक शो। प्लीज़ आप सब हमारे शो को देखिए, इतना ही प्यार दीजिए जितना अभी दे रहे हैं, इससे कहीं ज़्यादा दीजिए। और हम लोग बहुत बहुत मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए। हम लोग सच में घर सिर्फ चार या पाँच घंटे के लिए जाते हैं, वापस सेट पे आ जाते हैं क्योंकि जल्दी जल्दी आपको टेलीकास्ट दिखाना है, रुकना नहीं है, और हमारी मेहनत आपके लिए है। तो प्लीज़ हमें अपना प्यार दीजिए, कृपया करके इस शो को उतना ही प्यार दीजिए जितना। थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। सिंदूर की कीमत मंडे टू सैटरडे ओनली ऑन दंगल टीवी रात के 9 बजे, राइट।